नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन पर हुए अब तक के सबसे बड़े साइबर अटैक के बाद बाइडेन प्रशासन ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ऐसा पहली बार है कि जब किसी देश ने साइबर अटैक के कारण आपातकाल लगाया है। जानकारों का मानना है कि जिस कॉलिनियर पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक हुआ है वह वही रोज़ाना 25 लाख बैरल तेल सप्लाई करता है। यानी ये वही जगह है जहां से पाइपलाइन के जरिए यूएस के पूर्वी तट के किनारे बसे राज्यों में पेट्रोल, डीजल और दूसरी गैस की 45% आपूर्ति की सप्लाई की जाती है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस साइबर अटैक के कारण सोमवार को तेल की कीमतों में 2-3% तक बढ़ सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर इसे जल्द बहाल नहीं किया गया तो इसका असर और व्यापक हो सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार ये हमला कोरोना महामारी के समय हुआ है, क्योंकि इस समय अधिकतर इंजीनियर घर से कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। कई अमेरिकी सूत्रों ने पुष्टि की है कि ये रैनसमवेयर हमला डार्क साइट नाम के एक साइबर आपराधिक गिरोह ने किया है, जिसमें उन्होंने करीब 100 GB डाटा चुरा लिया है। इसके अलावा हैकरों ने कुछ कंप्यूटर और सर्वर पर डाटा को लॉक कर दिया है और शुक्रवार को फिरौती की मांग की है। उन्होंने धमकी दी, अगर पैसे नहीं दिए गए तो वो इस डाटा को इंटरनेट पर लीक कर देंगे। वही कंपनी का कहना है कि वो सेवाओं को बहाल करने के लिए पुलिस, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और ऊर्जा विभाग के संपर्क में है। रविवार रात को उसने बताया कि उसकी 4 मुख्य लाइन ठप है और टर्मिनल से डिलीवरी पाइपलाइन तक ले जाने वाली कुछ छोटी लाइन काम करने लगी है। यही कारण है कि रिकवरी टैक्स के जरिए तेल और गैस की सप्लाई न्यूयॉर्क तक की जा रही है। आपको ये खबर कैसी लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।